ए राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो भाई आज का वर्कआउट होने वाला बहुत ही ज़बरदस्त फाड़ू वर्कआउट। राजवीर भैया करवाने वाले हैं शोल्डर की वर्कआउट, तो आ जाओ खींचते हैं। थोड़ा सा लेट है, डाइट बढ़िया ले रखा, बढ़िया वाला वर्कआउट करेंगे आज भाई। बहुत सर भाई, शोल्डर वर्कआउट है, पंकज स्ट्रेचिंग कर ले, बहुत बढ़िया, मजा आने वाला, बहुत धमाकेदार। एक एक्सरसाइज में 600 रैप है। ओ 600, चार सेट में 600 रैप होंगे। वेट का एक सेट में 150, वेट का मैं बताऊंगा कैसे, इतना ज्यादा तो नहीं होगा। 600 रैप का नॉट फॉर यू, एक सेट में 150 रैप है। और करके जिस टाइम को अपना बेल्ट फ्री करोगे ना तो छूटे भाई, मेरे ऊपर अभी फैट चढ़ा हुआ है तो उतना मेरा दिख नहीं पाएगा कभी। अभी एक डेढ़ महीने मेहनत करके जब काट लूंगा ना फैट तब तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज तुम्हें पंकज के टेंट में दिख जाएगा। अभी रोकियो, अभी पंकज का टेंट देख लो, वीडियो की शुरुआत में पंकज का टेंट देख लो। जब ये चार सेट मेरे बोले हुए मार लेगा उसके बाद आप बेल्ट देखना, मतलब 2 इंच बड़ा वर्कआउट से सूरज मिलेगी, 2 दिन तो सोर नजर आएगी। और पंकज इंस्टाग्राम पर बता देगा कि भाई वर्कआउट करा था तो कैसा रहा था। तो भाई अलग अलग लोगों के साथ ट्रेनिंग करने का यही मजा है। तो ये जो वर्कआउट हमने करवाया था कभी शुरुआत में, या मेरे भाई त्यागी ने करवाया था, तो त्यागी जी किसी मिस्टर ओलंपिया था कोई, यार मैं इतना जानता था, बॉडी बिल्डर था कोई अंग्रेज, उसका प्लान खरीदा हुआ था तो उसमें ये वर्कआउट था हमारा। तो ये वर्कआउट शेड्यूल जब हमारे सबसे पहले वीडियो आई थी ठुकरा के मेरा प्यार उसमें था। तो आज हम ये जो वर्कआउट करने वाले, मैंने कभी बताया नहीं यूट्यूब के ऊपर, आज पंकज को करवाऊंगा। क्योंकि पंकज का ना मुझे ओवरऑल बॉडी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं ना मुझे फ्रंट डेल्ट और साइड डेल्ट हल्का सा कम लगता है, क्योंकि चेस्ट जो है। कमेंट भी तो आते हैं शोल्डर को लेकर, आते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं आते हैं। और मैंने जब लास्ट टाइम वर्कआउट करवाया था ना इसे, तो मुझे ऐसे लगा इसकी चेस्ट यहाँ तक ऐसे चढ़ी हुई, यहाँ से कटी नहीं हुई, तो यहाँ से ये जो डेल्ट पूरा कटना चाहिए ना वो इसका कटता नहीं है। तो वही मैंने नोटिस करके मैंने कहा चल इस बार पंकज को शोल्डर वर्कआउट करवाऊंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए रॉ वीडियो रहेगी बिना किसी म्यूजिक के। और भाई 12:30 स्ट्रेचिंग कर लें पहले, मैं भी और पंकज भी, फिर मिलते हैं। कर भाई क्या किलो से कर ले भाई? मैं ज्यादा लास्ट 15 किलो में तो बहुत ही कम रैप निकलती है, 10 या 12 बस। हाँ ये वाला ना साइड रेज ना, 15 किलो में निकलती है बस ये, पर ये सीधा करके लगाता हूँ ना मैं, ये पूरा ये वाला हाफ तो ज्यादा लगाता हूँ। क्या स्टार्ट कहाँ से करनी है? तो भाई स्ट्रेचिंग कर ले, स्ट्रेचिंग कर लिए, हल्का सा एक और ऑफसेट मार लो, बहुत छोटा सा, ये वाला टू स्ट्रेचिंग कर लिए और एक बहुत हल्का सा और ऑफसेट मार रहे हैं ताकि मसल थोड़ी सी खुल जाए, क्योंकि याद कर लो मुझे अपनी बुआ, याद कर लो मुझे अपनी बुआ, क्योंकि गाड़ का बनने वाला दोला बुआ। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आप वेट रखिएगा, हम रख रहे हैं 12:30, 7:30 और 5, 7:30 से 2 सेट मारेंगे। 15 एक बार में हैवी हो जाएगा, पता पंकज कह रहा भाई नया वर्कआउट है, मुझे इसकी स्ट्रेंथ का पता नहीं है कैसे मारता कितना मारता मेरा, मैं कम से कम 5 महीने का गैप हो चुका है तो मैं भी शायद इतना मारना पाऊँ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग लगा लेना, पंकज लगा 12:30, 10, 7:30 और 5 लगातार। एक सेट करते हैं सब कुछ, एक यहाँ पड़ा ये हो गया डंबल सारे ही घंटा। तो भाई इसके अंदर रेस्ट सिर्फ हम इतना लेंगे, 30 रैप मारने के बाद भी डंबल रखे दूसरा डंबल रखा, ठीक है? तो पंकज 12:30 उठा ले, रॉ सेट मारेंगे, रॉ है पूरा देखना, 3 मिनट का एक सेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
फटी भाई। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस क्या हो गया चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस रख के दोबारा ये उठा ले साढ़े सात ही मेरे तो मसल्स भर गए मसल्स भर गया पूरा माल चला चला रखा माल चला रखा वन टू फोर फाइव और भी लगाने मुझे हो गए भाई ने पास हो गया भाई पास लग तो गए तो भाई सेट हुआ इसके में चार सेट करने और देख लो भाई कैसा मजा आया मजा पहले सेट में पंप देख पूरा भर गया है पूरा यहाँ पे है ना ये चीज हाथ एक बार ऐसे उठा के 30 सेकंड होल्ड करियो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ तो भाई हमारे हो गए उसके चार सेट और उसके बाद ना डेंट ऐसे हो चुके हैं हम क्या बताएं कैसे हो चुका है तुम करके देखो जब तुम्हें पता लगे कैसे हो चुके उसके बाद इस पर वेट मारना बहुत मुश्किल है पहला जो वर्कआउट है वही बहुत डिफिकल्ट है उसके बाद तीन एक्सरसाइज और करेंगे बात खत्म ठीक है तो इस शेड्यूल में बहुत ज़्यादा वर्कआउट आप कर ही नहीं पाओगे कंधे इतने ज़्यादा हैंग हो जाएंगे आपके तो हमारा सेकेंड वर्कआउट कर रहे हैं हम बारबेल प्रेस ठीक है और इसको आर्नोल्ड प्रेस भी बोलते हैं शायद और इसको मिलिट्री प्रेस भी बोलते हैं शायद और पता नहीं क्या क्या करने के फ्रंट रोड के साथ भी बोलते हैं हम तो फ्रंट रोड के साथ फ्रंट रोड शोल्डर फ्रंट रोड सिंपल शोल्डर फ्रंट प्रेस शोल्डर फ्रंट बारबेल प्रेस हाँ
सीख ले, एक्सपोज कर देगा कोई नहीं करने दे। क्या फर्क पड़ा था उससे, हमें क्या फर्क पड़ता है एक्सपोज से? क्या पड़ेगा जब लट्ठी बजा गई दुनिया लोग तो मार नहीं पड़ दी, अब एक्सपोज करके क्या, अब एक्सपोज करके क्या मिल जाएगा? थोड़ा और को वो क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी में चल दूंगा। अच्छा लेकिन पंकज की एक बात बता रहा हूँ मैं, भाई देखो ये लड़के के साथ जिसने जो भी करा ठीक है, लेकिन ये लड़का बहुत आगे जाएगा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ क्या है, इसकी नीयत बहुत साफ है। जब हम वहाँ गए थे, ये बताने की बात नहीं है, बताना होता तो मैं कैमरे नहीं कर देता, जब हम पानीपत गए थे भाई के लिए, तो मतलब मैं तो पहली बार मिला था, घर गया मम्मी पापा देखे तो मुझे पता लगा भाई हाँ बहुत ठीक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और मेहनत कर रहा है। तो अब मैंने कहा केस वेस लड़ेगा, ऊपर से चोट इतनी लग गई है, हॉस्पिटल का खर्चा, पुलिस वाले भी काम करते नहीं भाई हमारे देश में, पता बहुत खर्चा है। तो यार मैंने इसे काट दिया अपना, मतलब कैमरे में नहीं, और मैं ये बताता भी नहीं कभी, खैर कैमरे पर मैं ये बातें करता नहीं हूँ। वो तो इसने एक रील में बना के बता दी, तो सारे लोगों को मुझे मैसेज भी आए। तो मैंने इसे साइड में ले जाकर मैंने कहा पंगा जी मेरा कार्ड है तू रख ले करंट अकाउंट का, मेरा जो राजवीर फिटनेस का जो करंट अकाउंट है। भाई इसने मना कर दिया, कह रहा भैया आप यहाँ तक आ गए मेरे लिए इतना ही बहुत है, मेरे बड़े भाई हो भाई, कसम से इसके वर्ड यही थे, इसने रील में भी बोला हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बात तो अब खुली चुकी है, तो अब मैं ही क्या छुपाऊँ, लेकिन हाँ इसने सच में यही बोला कि भाई आप मेरे बड़े भाई हो, आप यहाँ तक आ गए मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मुँह से मांग लूँगा, लेकिन मुझे कार्ड वार्ड नहीं चाहिए, आप मेरी पैसे मदद कर दो, पैसे से नहीं चाहिए। तो मतलब ये बहुत बड़ा दिल वाली बात है, कोई मतलब हमारे पास इतने फ्रॉड कॉल आते हैं, डेली मेल आते हैं, मम्मी बीमार है, ये बीमार है, पैसे दे दो, कितने लोगों ने फ्रॉड करा भी है मेरे साथ। अब तो मैं खैर थोड़ा चौकन्ना हो गया हूँ, नहीं करता हूँ, लेकिन फ्रॉड करते हैं लोग यार, पैसा ऐसी चीज़ है हर इंसान की ईमान डूब जाता है, लेकिन इसने भाई सीधे सीधे मना कर दिया। तो जिसका दिल बड़ा है और जिसकी नीयत साफ है उसकी तरक्की भाई धरती पर कोई नहीं रोक सकता, भगवान उस इंसान के साथ होता, लोगों के बस की नहीं है, किसी की इतनी औकात नहीं कि ऐसे इंसान को कोई रोक दे। ठीक है, हमारे साथ भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत साजिशें हुई, देखो नहीं रुके, दिल साफ है, नीयत साफ है, नहीं कर सकता कोई। चलो लेक्चर हो गया, अब मार दे फटाफट से, हमारा चार सेट इसके मारेंगे, लेट्स गो। इसमें हमें लेने 8 से 10 रेप बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोड भारी है, रोड भी भारी है, प्लेट भी भारी है, रोड भारी है, ओ 15 किलो, मैं सोच रहा हूँ 10 किलो है, 15 है इतना भैया, 50 किलो से मारेंगे बहुत है। ठीक है, हाँ चल, हाथ छोड़ाने जगह आगे रखियो ऐसी बस, चल 1 पूरा ऊपर, ये पूरा ऊपर, 2 3 4 5 6 पूरा ऊपर, 7 8 9 10, वेरी गुड। तो भाई दूसरा वर्कआउट हमारा यही है, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए सिर्फ आपको टिप्स दे रहा हूँ, फॉर्म क्या होगी ये ना होगी, ये होगी हाथ हमारे यहाँ से, ये चलिए आर्नोल्ड प्रेस की तरफ, ये चलाते हैं ऐसे ऐसे ना करके इस तरह, ठीक है। तो इसके भी 4 सेट मारेंगे, थर्ड वर्कआउट देर कर दो। तो भाई थर्ड वर्कआउट हमारा केबल फ्रंट रेज, हम केबल के ऊपर करेंगे, जब हमारे शोल्डर से थक जाएंगे ना तो एनर्जी उतनी रहेगी नहीं डंबल्स कर पाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास केबल नहीं, हम कर नहीं पा रहे, हम डंबल्स ही करेंगे हमारी मजबूरी है। तो जब इसमें आप केबल लगाओगे ना तो आपकी बॉडी हल्की सी झूल जाएगी नीचे, ठीक है, सीधे खड़े हो गए उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा चैलेंज पता कैसे होगा, जब आप नीचे बॉडी झुका लोगे, पूरा हाथ ऊपर लेके जाओगे, होल्ड करोगे, धीरे नीचे लेके आओगे, पूरा ऊपर लेके जाओगे, पूरा ऊपर होल्ड करोगे, स्लोली नीचे लेके आओगे। तो उसमें आपका फ्रंट डेल्ट के लिए जो पंकज का कमजोर है, पंकज का जो देखो साइड डेल्ट ठीक है लेकिन फ्रंट डेल्ट हल्का सा कमजोर है, तो इसका ये डेल्ट निकल आया ना थोड़ा सा, ये 1 इंच उठ जाएगा तो इसकी बॉडी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो हम चल रहे हैं भाई डंबल से करेंगे, आ जाओ पंकज, रेस्ट ज़्यादा ले रहा भाई, ये तो घर बार बार डंबल 12:30 में अंदर उठा रखी, ये लो। चलो तो भाई इसमें हमारी फॉर्म क्या रहेगी, बहुत सारे लोग झूलते हैं, झूलना नहीं है, सिर्फ सीधा हाथ ऊपर करना है। अरे भाई तुम कर लो, इसमें ना झूलना नहीं, बहुत से लोग ऐसे झूलते, झूलना नहीं है, सिंपली क्या करना है, डंबल है हल्की चेयर को बैठ रहेगी ऐसे, बहुत ज़्यादा भी नहीं इतनी, ठीक है, और इस तरह से हाथ ऊपर जाएगा, फ्रंट डेट पर फील करते हुए इस तरह से, ठीक है, दिखा दें आपको। चलो 20-20 रेप मारेंगे, 20-25 बीस बीस वन अच्छा दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10
देखो भाई शुरुआत में देखा था तब कैसा था, मैं थोड़ा डार्क कर दिया। देखो जब शुरू में डेल्ट देखा था जब कैसा था, अभी पंप के साथ देखो टाइट भी हो गई पूरी है, हो गया ना हार्ड हो गया पत्थर हो गया। तो भाई हमारा थोड़ा सा फैट काट ले, फिर हमारी डेल्ट भी दिखाने को। तो अभी इसके चार सेट मारेंगे, इस बार वन एक्सरसाइज है रियर डेल्ट फ्लाई वो करेंगे, तब तक चार सेट इसके निकला पहले सेट में हालत खराब हो गई थी, पहले सेट में तो ये करके देखना मजा आ जाएगा। तो भाई थर्ड सेट है हमारा, थर्ड जी फोर्थ एक्सरसाइज हमारी, तीन एक्सरसाइज हमने कर ली और मजा ही आ गया। नशा तो करता ही नहीं, चलेगी नहीं बढ़िया वर्कआउट लगाएंगे तो सांस ही चलेगी। आप पुराने खिलाड़ी हो, हम नए खिलाड़ी हैं। क्या कहते हैं ओ शेर ने हथिया, ओ क्या शेर ने शिकार करना छोड़ा है, भूल थोड़े गया। कैसे करें बताइए, मेरा तरीका तो गलत है, पाओगे पिछले नहीं या नहीं साइड में और सामने कितने लगाना है, 15 हो गया 16 कट है मत यार 17 18 19 कितना तगड़ा लौंडा भग रहा है। अबे तगड़ा लौंडा अभी तो उठा है, देखा नहीं था कितने दिन हुए अभी, जुम्मा जुम्मा तो भी नहीं, हाँ मरा पड़ा था पूरा। जब आया था जब कैसा हो रहा था, नया जन्म था फिर वही तो कैसा हो रहा था, ऐसे जब साथ में खड़ा था ना इतने पतले पतले दिख रहा था ना, कोई शहरी लड़का होता ना मर जाता जिस हिसाब से। अभी तक यहाँ पे तो घाव है ना, टच करता हूँ ना लड़कों की फील होती है कि भी घाव है, भरा नहीं सही से। देखो हल्का सा टच करो, यहाँ पे देखो लग रहा है दाने दाने से, अरे पता है सब पता है, सबसे बड़ी बात तो है कि वापसी कर गया जल्दी, हाँ हाँ पीछे ला रहा था झुक जा, झुक गया अच्छा पूरा ओके, यानी इसको हिलाना नहीं है पूरा पोस्चर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 वही तो बात है ना, मेरा डायलॉग बढ़िया मारा था ना फिर। तो भाई रियर डेल्ट फ्लाई के चार सेट, अगर इसमें कंफ्यूजन होती है कोई भी मेरा भाई, हमारे पास केबल नहीं है, दैट्स व्हाई हम डंबल से कर रहे हैं, कोई भी मेरा भाई कंफ्यूज होता है तो आप केबल के ऊपर कर लो, सबसे ईजी और सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है। चार सेट इसे करेंगे, उसके बाद श्रक्स और उसके बाद पंकज भाई के शोल्डर का पंप चेक करेंगे। मारो भाई चलो डो चलो। तो भाई हमारा लास्ट वर्कआउट है, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी पंकज भाई की, पंकज भाई बहुत पूछा कर सकेगी,
वर्कआउट पूरा हो गया, चलो 35 किलो भाई, इसलिए नहीं रुक के मार पूरा सीधा खड़ा हो, अब ले गर्द नीचे कर ले, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इन्हें पीछे नहीं दोनों ट्रैप्स को, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, कितने लगाना है मार बैच का फिर मार तो नहीं बस अभी हो जाएगा ओह पेट सी दिक्कत हो रही है ओप इधर जा ये 18 तो भाई कोई हमारा भाई सर्वाइकल का मरीज हो मेरी तरह तो वो ज्यादा कोशिश मत करना हिम्मत जरूर लेगी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं होटल से सिर्फ मार लिया और मेरे इजी एरिया में लेना अरे पूरा चीटिंग करो हम कौन सा देख रहे हैं इसे कितने सेट मार ले इसके तो चार ज्यादा खतरा बस मार ली ना मैं बचा रहा हूं ज्यादा ज्यादा क्या हो कोई रे देखो ये तो बॉडी बनी बनाई है हम जीरो शुरू कर रहे हैं हमें तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ना है ना भाई फिर वीडियो में दिखाने दिखाने में मार रहे हैं हां वो तो फिर पीछे वाली बात है हैं मार दो पीछे हो जाओ तो चल शिकारी ने शिकार छोड़ा है शिकार करना थोड़ा भूल गया तो भाई वर्कआउट हो गया बहुत मजेदार जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं वीडियो इस कैमरे में भी पंकज के वीडियो में भी हमारे वीडियो में भी भाई प्लीज इस वर्कआउट को फॉलो करके देखना बहुत मजा आ जाएगा रिव्यू देगा हमारा पंकज आज के वर्कआउट के बारे में भैया रिव्यू दो मैं तो ये बोलूँगा भाई कि देखो जितना तुम डाइट ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करना क्योंकि देखो भैया तो देखो इनका तो नेक्स्ट लेवल का चलो ये बीच में ऑफ थे जो भी था लेकिन वही यार पुराने खिलाड़ी हैं तो ये तरीके से करते हैं तरीके से वेट उठा रहे हैं तो रिस्क मत लेना अपने हिसाब से वेट मारना लेकिन हाँ रेपुटेशन चाहो तो आप बढ़िया निकाल सकते हो पंप ऐसा आएगा ना कि आप भी याद रखोगे साइड लेटरल लेज में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई इसमें इंजरी के चांस भी नहीं होते कितना भी डंबल उठाओगे इसमें क्या इंजरी होगी कहीं इंजरी नहीं होगी तो मतलब 12-15 का हाईएस्ट रखना और उसके हिसाब से 15-12.5 भाई अब एकदम 15-12.5 10-7.5 और 5 ठीक है इस तरह से रखना और एक बार पंकज की बॉडी देख लेते हैं शोल्डर देख लेते हैं कैसे आए और मैं किस मतलब हल्का सा मुझे वीक जो लगता है ना पंकज का ये मसल लगता है कि देखो ये जो चेस्ट है ना ये पूरी ऐसे चढ़ रही है तो ये जो है ना ये मसल इसका आगे करिए कहीं हल्का सा ये यहाँ से ना ये कट के ये फ्रंट डेल्ट की गलती है फ्रंट डेल्ट इसका उठा हुआ नहीं अगर ये फ्रंट डेल्ट कट के बाहर आ जाए ना तो ये डेल्ट डोमिनेट करेगा चेस्ट को यहाँ से पूरी उठ के तो ये होना चाहिए अगर नॉर्मल खड़ा हुई है अभी देखो ये चेस्ट चढ़ गई शोल्डर के ऊपर ये जो हमारा डेल्ट है ना इसके ऊपर चेस्ट नहीं चढ़नी चाहिए मेरा भी इतना नहीं है लेकिन यहाँ से ना ये बिल्कुल कट जानी चाहिए इसके भी कटती नहीं है तो जब फ्रंट डेल्ट बड़ा होगा ना ये वाला मसल जब बड़ा होगा ये यहाँ तक उठ जाएगा तो चेस्ट नीचे दब जाएगी यहाँ से तो ये सेपरेशन आ जाएगा तो इसलिए मैं जब लास्ट टाइम वर्कआउट किया था ना तो मैंने इसकी बॉडी देखी पूरी तो मुझे यही कमी लगी मेरा ऑल ओवर बॉडी बहुत अच्छी है बस हल्का सा जो सेपरेशन नहीं है ना वो चेस्ट में और फ्रंट डेल्ट में नहीं है तो इसके लिए हमने आज शोल्डर वर्कआउट करा भाई को अगली बार जैसे आज साइड डेल्ट पे जोर दिया अगली बार फ्रंट डेल्ट पे देंगे बहुत बढ़िया वर्कआउट लेके आऊँगा बताना कमेंट करके और जब वर्कआउट इसे फॉलो कर लो तो भी बताना कैसा वर्कआउट लगा पहले बार पोजिंग दिखा दो भाई बहुत मेहनत करिए भाई लड़के ने इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग के बाद भाई बची गया पता नहीं कैसे मर ही जाता और इतनी ब्लीडिंग इतनी इंजरी उसके बाद इतनी जल्दी रिकवर कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा डेडिकेशन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क चाहिए रिकवरी सब नहीं कर पाते इतनी जल्दी तो भाई मज़ा आ गया बहुत दिल खुश होता है इसे देख के भाई मुझे आदेश याद आती है इसे देख के क्योंकि इसका फेस और इसका फेस बॉडी स्ट्रक्चर वो थोड़ा सा वेस्ट उसकी इतनी सी थी थोड़ा सा इससे हैवी था और वैसे भी भाई जान का कंगर था तो
इसे देख के ना मुझे उसकी याद आती है और इसके लिए ना सेम फीलिंग आती है मेरे दिल में, पता नहीं क्यों। तो भाई थैंक यू सो मच और लव यू ऑल, मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलने का प्रोग्राम करना है, तो विनेट।